हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखभाल तैयार हो चुकी है एकदम मस्त करके, लिप ग्लॉस लगा के। भाई व्यू मतलब बहुत सही है। और हमने सेल्फ वाला लिया है, एक बोट था उसमें हमारे साथ कोई आएगा हमें ले जाने, वो समथिंग कितने का था 420 का था, तो हमें खुद पैडल मार के ज़्यादा पसंद किया। ये जो ये है ये 320 का है तो 1 घंटे के लिए। हम वो डबल वाले में, हम 420 वाले में से गए क्योंकि वाला रील अब नहीं चल रहा है, कौन है दिशा में लेके गया है बटोइया शायद कोई तो है। ये है नैनीताल। और उसने 500 हमसे लिए जस्ट बिकॉज वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, ऐसा बोल रहे थे कि वो हम लोग रिस्क नहीं लेते तो 500 सबमिट करने पड़ते हैं, बाकी वो लोग हमें जब हमने बोट देंगे तब वो हमें वापस दे देंगे। ऐसे तालों में से स्मेल ही आती है वो। वेरी 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 नाइस। पानी कितना गहरा होगा ना, और अगर सोच तो उसमें डूब गई तो क्या करेगी, क्यों डूबूंगी। वाइड एंगल से दोनों की वीडियो तो हमें देखना है। वाइड एंगल मतलब हम तुम यहाँ हैं, कैसा समा है, हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूँ मैं बहुत देर से जगाती हूँ। पीछे गाना तो सुनते थे, हम बोलते थे कि बहन चुप हो जा। और मैं मतलब हल्द्वानी से भीमताल काफ़ी आई हूँ, बहुत बार आई हूँ, 2-3 बार तो आती हूँ। भीमताल में आती रहती हूँ, नैनीताल में बहुत मजा आई। भाई वो जंगल अच्छा लगता है। हाँ यार मेरे को तो भाई टैन इतना हो जाता है ना यार, बहुत टैन होता है। और मतलब जंगलों में ये रहता है ना कि हाँ जंगलों में धूप कम लगती है, छाया रहती है। भाई ऐसी बारिश हो जाए वाओ। दिस इज द पानी ऑफ नैनीताल। मुझे बोट्स अच्छी लगती है ऐसे। नेक्स्ट टाइम इसमें जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को तो मज़ा आता है ना। मुझे पैडल मारना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा तो मारना। दिस वन इज़ नाइस। और बाकी हम दोनों थक चुके हैं पैडल मारते मारते। तो इस बार भी निकलो हाथ में कमी नहीं तो आई भी है। भाई वहाँ पे तेरी आंसर कोहरा आ रहा है। देख यहाँ से पहले हम उसको कॉलम में पहुँचने वाले। अब इरिटेट हो गई हूं मैं। रुक जा ना थोड़ी देर, रुक जा तू चला ले फिर। अभी सो गया। यहाँ मेरे वजह से फिर गालियाँ देने लग गई मैं यार। मैंने पलट लिया तुम्हें गंदे। ठंडा कितना हो रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे अगर करना तभी तो मैंने फिर डेनिम नहीं पहनने दिया, शर्ट पहन के आई थी। मैं देखो कूल दिखा रही थी पहले। यहाँ पे रुकेगा भाई। रास्ते में ठंडा हुआ था ना, मतलब एकदम तगड़ा वाला लग रहा था, ठंडियाँ हो रही है। और हल्द्वानी है, हल्द्वानी में गर्मी रहती है काफ़ी, लेकिन नैनीताल से आते समय बहुत ठंडा हो गया था मौसम। परसों मैंने डेनिम भी नहीं लाई थी, आज शर्ट लाई थी तो फिर शर्ट मैंने वैसे टिकाने पकड़ी थी। चल निकल। फैन से हमारी भुट्टा नहीं खाया जा रहा है, बताओ। मेरा बड़ा मैंने पूरा खा भी दिया, मैंने मुँह भी साफ कर लिया, हाथ भी धो लिया। मेरा भुट्टा बड़ा था ना। क्या था बड़ा था? क्या था क्या बड़ा था? भुट्टा। तेरे पे नीम बननी चाहिए थी। तुझे खाऊं? साथ ही मेरे मुँह पे कैमरा वाइड एंगल है। खाने का तमीज नहीं है इसको। मुंह साफ करने के बाद हर इंसान यही बोलता है। बदतमीज़ है, इतनी बेशरम, इतनी बेहया, इतनी बेवकूफ़, नल्ली, बेरोजगार, छपरी पीपल है। भाई मैंने अब भी जस्ट अपनी फ़ोटोज़ देखी, क्या था वो फ़ोटोज़ में, तो ये बता। बहन मेरी आदत है कि मेरे को लगा तूने वो जो उतारा था उस समय कोई देख लेगा और उनको फाइन लगेगा करके मैं कच 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 कर रही। तेरे टाइम पे मैं इतना आराम से लिया, मैंने इसकी हर फोटो अच्छी ली, लेकिन ये 100 फोटो लेती है उसमें से एक आती है इसमें मैं नॉर्मल होती हूँ बस, बाकी सब रैंडम। भाई मेरी पोज़ वापस चली जाती है, मैं पोज़ करने की बात करती हूँ, सेकेंड पोज़ मेरा जाता है वो, तब फोटो क्लिक होती है आपकी। मोमोज के तुझे नहीं मोमोज मुझे खाने ही नहीं, तो मेरी फोटो अच्छी नहीं खाऊंगी मोमोज तो खाऊंगी। ये लड़की इतनी बदतमीज़ है, इतनी बेशरम है, इतनी बेहया है, इसके साथ तुम कहीं मत जाना। अगर कोई इसके पहचान का देख रहा है ना, इसको फोटो खिंचाना कहीं मत बोलना प्लीज़ प्लीज़। बहन मेरी बहन अगर ब्लॉग देखेंगी हाँ कर देंगी। मैंने अपनी फोटोज़ अभी बस ऐसी ऊपर से पिम्पल्स देखी, आई वॉज लाइक मेरी पोज़ कहाँ है भाई, मैं ये सारी पोज बनाती हूँ कहाँ है, सब ऐसे 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 ऐसे। हेलो गाइस, चाय पी लो। ऐसे कैसे कैसे नहीं पी रही मैं चाय। और अभी तक इसको इसका बहरा मोमो वाला मिला नहीं, अब किसी और से पूछने लग गई बेस्ट मोमो कहाँ मिलते हैं। अब इसके बेस्ट मोमो तो इतने बड़े हल्द्वानी में कहीं और भी मिल सकते हैं, खाने हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट ना। चल चुड़ैल बन के अच्छे कैफे जाते हैं, ठीक है। क्या हो गया फिर बारिश में, अपनी शक्ल देखने लायक नहीं हो रहा, घर जाके नहाना है। भाई दिन भर इसने मुझे भूखा मरा दिया। इतना आइसक्रीम खाई है हमने चाय पी, हमने केतमक्का खाया है, और तो बारिश हो गई थी यार तो भी जाना। हाँ भाई हम लोग पता है पूरे बारिश में इतना भीग के आए काठ गोदाम से, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। हाँ दोस्त ऐसा बनाओ कि 4 लोग बोल नहीं, दोस्त ऐसा बनाओ कि बॉयफ्रेंड की कमी ना हो, कभी तो कम बेस्ट फ्रेंड ऐसे बनाओ। दोस्त ऐसा बनाओ कि 4 लोग बोले कि आप लेस्बो हो क्या, ये होता है। चल ठीक है यार, मजाक से बाय। सो गाइस आज उठ चुके हैं एक ब्लॉग और मैं अभी पहुँच गई हूँ। हाँ आ गई, मेरा किट्टू कहाँ है, फोन में बोल रही हूँ। मस्त मामा भी तो आ रहे हैं अभी, मुझे अंजलि का फ़ोन आया था, मामा को लेके आया बोल रहे थे, फिर फ़ोन ही नहीं आया उन लोगों का, लेके आती है ना भाई। फ्लैश का डिलीवरी इसकी। किट्टू मेरा किट्टू जब मैं घर में नहीं होती ना वो भी घर से बाहर चला जाता है, मतलब उसे मैं अच्छे लगती हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो वो मेरे बिना तो उसे रहता है नहीं। खा गया किट्टू। मैं अभी नशे में हूँ, इसके बताऊँ सफ़र के नशे में। बाय। अगर तुम लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए गाइज तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे ब्लॉग देखते रहें।